So guys, welcome to another vlog. You are watching Roaming with Sayyad. बिल्कुल इसके नीचे ऐसा है कि तकरीबन एक चारपाई आ सकती है, मतलब कह लो घर है जिसमें एक चारपाई। यार ये एग्जांपल तूने क्या दी है, चारपाई की एग्जांपल, खतरनाक एग्जांपल दी है। तो बुजुर्ग हैं और वो देखिए नीचे कैसे आ रहे हैं, जो ब्राउन कलर में आप नजर आ रहे हैं ये एक बुजुर्ग है। या अल्लाह इनको बचाइए, यहाँ रहते हैं। आपने एंड तक इस वीडियो को पूरा देखना है। यहाँ पे किसी जानवर की आवाज आई है, एक आप भी सरप्राइज हो जाओगे। सैदपुर विलेज में चश्मा भी है, आप सरप्राइज हो जाओगे। यहाँ पे हाइकिंग ट्रैक्स भी हैं। आपको हम बेसिकली जो है ना सैदपुर विलेज की एक और पिक्चर दिखाना चाह रहे हैं, जिसकी वजह से मैं यहाँ पे आया हूँ आज। और आज हम सैदपुर विलेज का आपको वो वाला पार्ट नहीं दिखा रहे जो कि देश परदेश चरसी तिका पे आके एंड हो जाता है। अब गर्मियों में अक्सर ऐसा होता है कि हमें बहुत तलब होती है अक्सर बारिश होने के बाद कि आप जैकेट शैकेट ले लें। रास्ता सीधा जाता है, ठीक है, ठीक है। वो ऊपर दरख्त एक बड़ा जो नजर आ रहा है वो मनाल का पहला घर आता है। तब के मोटरसाइकिले गाड़ियाँ वगैरह जितने भी है इस गांव के वो सब नीचे रोड पर होते हैं। अच्छा ठीक है, किसी की कोई चोरी शोरी नहीं होती, ठीक है। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको सैदपुर विलेज का एक और चेहरा नजर आने वाला है। ये जो सोना चांदी आप लेके आते हो ना, बराए मेहरबानी इसको यहाँ ना फेंका करो यार। गाड़ी में आयो गाड़ी में साथ ले जाओ, बाइक में आयो बाइक में बांध के साथ ले जाओ। ये भी सुना है कि यहाँ भी जो सैदपुर आता है फिर वो किसी कहीं और जाके नहीं रह सकता। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, बिल्कुल ऐसी बात। खानपुर अगर डबल सैलरी मिले, डबल सारे मामला हो जाए, चले जाओगे? नहीं। यहाँ से अगर मुनाल कोई जाना चाहे कितना टाइम लगेगा? 45-40 मिनट। हमारे पीछे देखो छोटे छोटे बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं और इनको देख के कसम खुदा की अपना बचपन याद आ गया। हम लोग इसी तरह से जो है किसी टेंशन के बगैर जो है क्रिकेट खेला करते थे और पता ही नहीं होता था दुनिया में क्या हो रहा है। कोई चीता कोई जानवर देखे आपने? जी जी। यहाँ पे लोकल नीचे आ गया था आबादी में? या काफी देर पहले ना, ये तकरीबन 4-5 महीने हो गए। ठीक है, इधर ये सामने वाली पहाड़ी है, ठीक है, इधर एक तीन हमने देखे, तीन शेर थे। अच्छा, चीते नहीं थे, शेर बालों वाले? हाँ जी। ना जी, इसके बड़े बड़े चेहरे होते हैं। वो यहाँ पे हैं? अभी नहीं है, ठीक है, पहले आए थे। कितना अर्सा पहले? ये जब काफी शोर नहीं पड़ गया था इधर इस्लामाबाद की पहाड़ियों में, चीते आ गए, ठीक है, उस वक्त की देर। नेचर तो अल्लाह ने ऐसी है किसके अंदर कशिश रखी है, बचपन से वही दरख्त है, वही पहाड़ है, वही चांद है, वही हम देखते हैं और फिर भी उसकी जो कशिश है वो खत्म नहीं होती है। यार मेरी बात सुन, मेरी बात सुन, मुझे ये बता कोई जिन को भूत यहाँ पे देखे? नहीं सर, वैसे तो ये मतलब बहुत इंजॉयबल ही जगह है। जब भी आप किसी नई जगह पे जाओ तो जो फेमस स्पॉट्स हैं उसके अलावा उसकी सराउंडिंग भी डिस्कवर करो। जो चश्मा है यहाँ से अगर हम बाय वॉक जाना चाहें कितने मिनट की हाइक करेंगे तो चश्मे तक पहुंच जाएंगे? तकरीबन हम यहाँ से 10-15 मिनट। आप देश परदेश से आगे आ जाओ तो पहले एक आता है जो तकरीबन 300-400 साल पुरानी ट्रेन है, मिट्टी का बना हुआ है। So guys, अभी हम बातें कर रहे हैं और आप यार देखो क्या खूबसूरत हवा की आवाज आ रही है और एकदम से जो है तूफान आ गया है। और ये देखिए जी, हादसा हो गया, हादसा हो गया, यावर की टोपी, ओए ओए यावर की टोपी उड़ गई, हादसा हो गया, हादसा हो गया, यावर की टोपी उड़ गई। एकदम से जो है यार मौसम इस तरह से चेंज हुआ, हम जब आ रहे थे तो धूप थी, उसके बाद हल्के बादल आए, अब घने बादल है और तेज हवा है। बता ना तू, बता ना।
नहीं। मुझे भी बैटिंग दो ना थोड़ी सी, कल आना यार बैटिंग आप। मैं शुएब अख्तर के साथ खेलता रहा हूँ, शुएब अख्तर के साथ, मैं शुएब अख्तर को छक्के मारे हुए। कौन है बॉलर? आओ जरा बॉलर कौन है? मिल गया, मिल गया बॉल, वो लेके आ रहा है बच्चा, वो देखे ए ए आगी बॉल। योर व्हाट्सएप गाइस, ये लो छक्का, बहुत बड़ा। और ये सामने पहाड़ नहीं जो कटा हुआ है, ठीक है, इसके नीचे वाली जो हिस्सा है, ठीक है, तो यहाँ पे हाइकिंग होती है, और सॉरी रॉक क्लाइंबिंग, और इस पत्थर के लिए तो रस्सियां तो नहीं है, हुक्स लगी हुई है, तो जब वो लोग आते हैं ना, आते हैं वो खुद वो करते हैं, जो ट्रेनिंग वाले उनके पास अपना प्रॉपर सामान है, बैग है, कहीं गोरे आते हैं, चाइनीज आते हैं। एक ऊपर कुआं है, ठीक है, जो चक गाग। एक मिनट कुआं? जी जी, पहाड़ों में कुआं? जी जी। ओ, अच्छा। उस कुएं का जो है ना, ये बरसात के मौसम में जो है ना, उस कुएं का पानी एनी टाइम ऊपर की तरफ आ रहा होता है। ये आपको बताऊं तो ये जो एरिया अभी आ रही है, ये गर्मी में भी इतना ठंडा होता है, ठीक है, कि आपको अच्छा फील करते हो। बाकी तो है, जैसे फॉर एग्जांपल ट्रेल 3 का बी है वो ओपन, पर उधर धूप जरा है, टिकती है, तो गर्मियों में मुश्किल है। इसका फायदा ये है, ओपन लेफ्ट साइड में पहाड़ है, ठीक है, जो कि आपको सूरज से रोकते हैं, बचाते हैं, शेड देते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई लोग, किधर जा रहे हैं? चश्मे पे? जी। चश्मे पे पहले जाते रहे हैं या कराची? कराची से आए हैं। तो आपको किसने बताया यहाँ पे चश्मे? ये भाई ने बताया। ये भाई ने? तो आप आते रहते हैं यहाँ पे? हम तो आते हैं। इस्लामाबाद की रहती है। इस्लामाबाद कराची वाले भाइयों को, आपके जो दोस्त हैं उनको क्या मशवरा देंगे? इस्लामाबाद, इस्लामाबाद आए तो चश्मे पे आए और सैदपुर विलेज आए? जी जी जरूर, शाम को अगर पाकिस्तानी है, ही शी शुड विजिट वन टाइम। जिंदगी में एक दफा आना चाहिए, बताना चाहिए, देश पर देश आना चाहिए, मनाल जाना चाहिए, मनाल हाइकिंग में जाना चाहिए। कराची में कौन से ऐसे स्पॉट हैं जो जबरदस्त हैं? दे शुड बी दो दरिया, ठीक है, दो दरिया, ठीक है, फोर ग्रैंड जैन जबरदस्त है, ठीक है, ठीक है। चलिए जी, आप लोग एंजॉय करें, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, अल्लाह हाफिज़। यावर जो है ना, जंगल के बादशाह है एक्चुअली, तो यावर बेसिकली इतना ज़्यादा रोमिंग करता है, माशाल्लाह माशाल्लाह इसका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। तो आपने अगर यावर से कभी कोई सवाल करने हो रिलेटेड टू हाइकिंग, इस जगह पे क्या हुआ था? बाहुबली ने वो उठाया था, वो पत्थर। अच्छा। 1 2 3 के सच की तलाश है, दूर आकाश है। सो गाइस, हम चश्मे में पहुंच चुके हैं जी। ओए होए 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 होए, ओ माय गुडनेस, हसैना में ले आए पानी, हम नहीं लाए थे, और वो कह रहे थे आपको पानी की जरूरत नहीं पड़ेगी, और ये देखो यार, ओए होए होए होए, ठंडा पानी भाई, ठंडा यख पानी। जितनी भी ऑडियंस मेरी ये वीडियो देख रही है, आप सबको मैं मशवरा दूंगा, एक दफा लाइफ में यहाँ पे जरूर चक्कर लगाना। अगर आप घरों में नहीं गए हो ना, तो एक घर की कितनी दहशत होती है। ये घर है, घर के अंदर से चश्मा है, जिधर से पूरा सैदपुर विलेज पानी पीता है। मुझे थोड़ा सा तकलीफ हो रही है, वो ये कि यहाँ पे लोग जब आते हैं तो जो अपने साथ प्लास्टिक जितना भी वेस्ट मटेरियल है वो यहीं पे छोड़ के जाते हैं, थोड़ा सा ये चीज़ ना मुझे पसंद नहीं आई यावर। हाँ, ये आप अगर सजाद आप दिखाओ, देखो प्लास्टिक के डिस्पोजेबल चमचे पड़े हैं, प्लेट्स पड़ी हैं, रैपर्स पड़े हुए हैं, खुदा के बंदो ही तक क्यों गंद आता है। अगर आप आगे पीछे चूल्हा बना के आग जलाते हो अपने एंजॉय करने के लिए, जिस टाइम आप यहाँ से रुस्कत ही करते हो तो उस टाइम उसके ऊपर पानी डाल दो, ठीक है, अगर पानी नहीं है तो मट्टी शट्टी डाल दो, लेकिन उस आग को बुझा दो, जबरदस्त, ताकि यहाँ के जानवर सेफ रहें। सो गाइस, यहाँ पे मेरी जो है वो हो गई है जो आप समझ रहे हैं, बिल्कुल हालत टाइट हो गई है, चेक करो यार। सजाद
कितना आ गया? पांच मिनट करते 50 मिनट हो गए। चलो आ जाओ, लेट्स गो। सो गाइस, राइट नाउ वी आर ऑन द टॉप ऑफ द माउंटेन। यहां से क्या व्यू है आए हम आपको दिखाते। इन भाइयों का बहुत शुक्रिया, इतनी अच्छी जगह इन्होंने हमें दिखाई है। यूनुस भाई जो है पेप्सी पी रहे थे, निम्को खा रहे थे, चॉकलेट खा रहे थे, तो हम उनको यहाँ ले आए। हमने कहा यार हमारे साथ आओ, थोड़ी हाइकिंग करो और ये पेप्सी छोड़ दो। सादा चश्मे का पानी, सादा चश्मे का पानी पियो। यार आप लोगों को एक प्रो टिप देने वाला हूँ, हाइकिंग करते हुए अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट हो कि आपकी सराउंडिंग में जानवर हो सकता है, तो कोशिश किया करें ऐसा ग्रुप हाइकिंग किया करें, दो तीन लोग इकट्ठे हो, और ऑन टॉप ऑफ दैट कोशिश किया करो बातें करते रहा करो, क्योंकि जानवर जब हमारी आवाज़ें सुनता है तो वो फिर हमारे पास नहीं आता या अटैक नहीं करता। सो गाइस, आई होप यू लाइक दिस व्लॉग। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। इस तरह के मजीद अच्छे अच्छे व्लॉग्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।